क्या क्या बोल रहा हूँ भाई व्लॉग में मैं, और भाई पीछे पड़ जाते हैं भाई, जूते चप्पल यहाँ रख दो, उसके पीछे भी इनका एक वो रहता है भाई। जो मेन मंदिर में आपको दर्शन होंगे ना शिव शंभू के, वो इस रूप में होंगे, मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ भाई, ये देखो भाई। हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं पहुँच चुका हूँ उज्जैन, और मैं यहाँ पर आया हूँ महाकाल बाबा के दर्शन करने, तो दिखाऊंगा कि महाकाल मंदिर दिखता कैसा है। तो दोस्तों बने रहिए व्लॉग में। तो भाई स्टेशन से अगर लेफ्ट हैंड की तरफ आओगे, इस तरफ, तो इस तरफ है महाकाल मंदिर, तो आगे जाके दिखाता हूँ। ये तो मार्केट है भाई, यहाँ पर होटल ही होटल है, आपको 700-800 रुपये तक होटल मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर एक चौक आएगा जिसका नाम है इंदौर गेट। ये देखो भाई, ये है इंदौर गेट। जब आप स्टेशन से आओगे ना सीधे, तो ये इंदौर गेट आएगा, और यहाँ पे आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा जहाँ से लिखा होगा, ये देखो महाकालेश्वर मंदिर जो है 1.5 किलोमीटर, तो ये रास्ता सीधा जाना पड़ेगा। तो ये है भाई सीधा रास्ता, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। ये देखो भाई एक गाय जा रही है रोड पे, देखो कितनी सुंदर है, देखो, पर इसके पैर में शायद चोट लगी है। तो भाई ये आएगा सेवा ग्रुप, यहाँ पर लिखा हुआ ये कोई मतलब कुछ मंदिर है, पता नहीं क्या बना हुआ ये। तो इससे इस हाथ की तरफ मुड़ना है, और यहाँ से सीधा जाना है महाकाल मंदिर जाने के लिए। और ऑटो वगैरह लेना हो तो ऑटो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए पैदल जाने का डिसाइड किया है भाई। इधर बहुत हो रही है भाई, मंदिर के पास लोग ना पीछे पड़ जाते हैं भाई, एक बार रूम के लिए मना भी कर दो तो भी पीछे पड़ जाएंगे, ये चीज़ ले लो वो चीज़ ले लो भाई, साथ साथ चलने लग जाएंगे भाई। ना भाई नहीं लेना, ये देख भाई पीछे पड़ जाएंगे भाई, 5 रुपये में ले जो ये ले जो वो ले जो, मेरे को तो रोड से लग रहे हैं भाई। के पास मंदिर के पास भाई आपको ऐसी ऐसी भीड़ी भीड़ी गलियां दिखने को मिलेंगी, और ये जूते चप्पल यहीं पे रखवा रहे हैं भाई। और यहीं पे आपको भाई अगर मंदिर के पास होटल लेना चाहते हो तो मंदिर के पास होटल भी मिल जाएगा, खाने की भी देखो सुविधा है। और बाकी मंदिर में जाके दिखाता हूँ आपको, मैं तो अंदर ही जूते चप्पल जमा कराने वाला हूँ दोस्तों। भाई यहाँ पर ऐसे बोलेंगे आपको कि 5 रुपये की थाली है फूल की, और आप ये चढ़ा सकते हो मंदिर में। जब आप वो थाली लोगे तो बोलेंगे 5 रुपये का एक फूल है और ये 10 फूल है, तो भाई ये 5-5 के हिसाब से लगा लो, और 100 रुपये का प्रसाद है भाई, ऐसे क्या काटते हैं भाई ये यहाँ पे लोग। और क्या क्या बोल रहा हूँ भाई व्लॉग में मैं, और भाई पीछे पड़ जाते हैं भाई, जूते चप्पल यहाँ रख दो, उसके पीछे भी इनका एक वो रहता है कि ये फिर हम इनसे कोई और मंदिर दिखाने के बहाने इनसे पैसे लूटेंगे। बहुत भाई यहाँ पर ड्रामा चल रहा है, जबकि भाई मंदिर के अंदर जूते चप्पल जमा करने का यहाँ पर बनाया हुआ है कि आप यहाँ पर भी जमा कर सकते हो जूते चप्पल। मंदिर के अंदर भाई आपको ऐसे ऐसे व्हीकल देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर दिव्यांग या बुजुर्ग वगैरह को थोड़ी सी सुविधा हो जाती है चलने फिरने की। ये देखो भाई डिजिटल इंडिया। तो भाई अंदर से मंदिर कुछ ऐसा नजर आता है, ये देखो, तो भाई आगे का व्लॉग भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी देखो भाई कितनी भीड़ है, और ये यहाँ पर ऐसी 3 मूर्तियाँ दिखेगी आपको, जिसमें से एक शिव भगवान की मूर्ति है, ये अपने गणेश जी। भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और फ़ोन वगैरह सब जमा करवा लिए जाते हैं। तो भाई ये है मंदिर के बाहर का जो भी दृश्य है आप देख सकते हैं। ये देखो भाई ये पास में ही एक तालाब है, ये बीच में इन्होंने कोई गार्डन बनाया हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर भाई पुल का काम चल रहा है, देखो पुल बन रहा है। और यहाँ पर मंदिर के बाहर ना आपको बहुत सारे सुंदर पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ये देखो भाई अभी पास से भी दिखाता हूँ भाई, तो देखो भाई ये थी जो मेन एंट्रेंस जहाँ पर लाइन लगती है, जहाँ से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको जाना पड़ता है। तो ये है मेन एंट्रेंस और यही मेन गेट है देखो।
तो ये देखो भाई यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर सीनरियाँ हैं मूर्तियों की। ये और देख लो भाई बाकी मूर्तियाँ कितने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए हुए हैं मंदिर के बाहर। भाई जो मेन मंदिर में आपको दर्शन होंगे ना शिव शंभू के, वो इस रूप में होंगे। मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई, ये ऑनलाइन चल रहा है भाई स्क्रीन पे, तो इस रूप में दर्शन होंगे भाई आपको। और एक और ये देखो भाई, ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने, इसके बीच में शिव भगवान की जो है मूर्ति है। ये देखो भाई, ये सर्कल के चारों ओर घूम सकते हो आप, और ये ऊपर से ऐसे दिखता है। देखो कितना अच्छा है भाई ये, और इस सर्कल के इस तरफ भी दिखाता हूँ आपको भाई। ये देखो यहाँ पे भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और भाई जिसको जल्दी दर्शन करनी है वो डोनेशन देकर 250 रुपये प्रति व्यक्ति जल्दी दर्शन कर सकता है महाकाल के। और एक बात और भाई, अगर किसी को महाकाल के पास से दर्शन करने हैं ना, तो भी पंडित जी को दक्षिणा दे के 200-400 रुपए पास से दर्शन करने देते हैं, वरना पास से दर्शन नहीं करने देते भाई। तो दोस्तों मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप धार्मिक वस्त्र, धार्मिक फूल मालाएं और रुद्राक्ष मालाएं और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर शिवलिंग खरीद सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं, रुद्राक्ष मालाएं खरीद सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये देखो हमारा देश कितना डिजिटल हो चुका है, ये देखो महाकाल के ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी दर्शन करने के लिए आप यहां पर टिकट खरीद सकते हैं, और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पूछताछ कर सकते हैं।